हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर तुहाडे लई मेरे चैनल जानकारी हित दे उते बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स नाल रिलेटेड अज इत्थे डिस्कस करांगे। द टॉपिक इज़ फॉरन एक्सचेंज रेट, विदेशी वटांदरा दर की है। तो नाल ही गल करांगे टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट, विदेशी वटांदरा दर दीआं किस्मां किहड़ियां किहड़ियां ने, आपां उहदे बारे गल करदे हां। लैट्स मूव हैड विद मी to discuss today's content. Yes students, गल करते हैं विदेशी वटांदरा दर की। विदेशी वटांदरा दर की है? विदेशी वटांदरा दर नूं जेकर साधारण अर्थों के जानने की कोशिश करिए, असीं आम तौर पर सुनते हैं कि अज रुपए का रेट गिर गया, अज वध गया, अज घट गया, डॉलर नाल मार्केट अज क्रैश होगी, इहदा मतलब की है? सारा विदेशी वटांदरा दर दी ही तां गेम है। गल करते हैं विदेशी वटांदरा दर हुंदी की है। फॉरन एक्सचेंज रेट, फॉरन एक्सचेंज रेट या विदेशी वटांदरा दर उह दर है जिसनों जेकर साधारण अर्थों से जानने की कोशिश करिए कि किसी देश की करंसी की एक यूनिट का मुल दूसरे देश की करंसी दियाँ किन्निया यूनिट के बराबर है। अमेरिका के एक डॉलर की कीमत भारत के किन्ने रुपया के बराबर है? साढ़े देश की एक रुपए की कीमत जापान की करंसी या रशिया की करंसी के किन्नी यूनिट के बराबर है? उसनों ही असी विदेशी वटांदरा दर या फॉरन एक्सचेंज रेट कहने हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द रेट एट विच वन कंट्रीज करंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर कंट्रीज करंसी इज नॉन एज द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज करंसी। इसनों ही असी दो देशों के विचकार करंसी का जो वटांदरा दर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अज 10/10/2020 का मतलब 10th October 2020 आज की डेट के इंडियन वन रुपीज जोड़ा अमेरिकन वन डॉलर है उसका रेट 73.30 रुपीज़ है, 73.30 रुपए। यदा मतलब की है? इस तो मतलब भी समझने की कोशिश करिए आप कि जो अमेरिका दे एक डॉलर दे नाल परचेज किया जा सकता है उस दे लई इंडिया दे 73.30 रुपीज़ खर्च करने पैणगे इन टूडेज रेट। तो रेट लगातार चेंज होंदा रहिंदा है। ये जिहड़ा रेट मैं दस्सिया जिवें इंडिया दे 73.30 रुपए का मुल अमेरिका दे एक डॉलर के मुकाबले है, इस तरह जेकर असी अज की गल करिए इंडिया दे एक रुपए की वैल्यू अमेरिका दे 0.014 डॉलर के बराबर है। दैट इज़ एक्सचेंज रेट, इसनों ही कहने हैं। दुनिया के हर देशों की करंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज अलग अलग है क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक पैरामीटर्स अलग अलग ने, इकोनॉमिक स्ट्रोंग होल्ड्स अलग ने। जिस तरह की कोई इकोनॉमी स्ट्रोंग है तुम देखोगे उसकी करंसी उन्नी ही सॉलिड ढंग के नाल इंटरनेशनल मार्केट के आती है। सो असी कंक्लूसिव रूप के फॉरन एक्सचेंज रेट को किवें डिफाइन कर सकते हैं? फॉरन एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन यूनिट ऑफ द करंसी ऑफ एनी कंट्री कैन बी एक्सचेंज्ड विद द गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द करंसी ऑफ अनदर कंट्री इज नॉन एज फॉरन एक्सचेंज रेट। भाव एक किसी देश की करंसी की एक इकाई के बदले दूसरे देश की करंसी दियाँ किन्नियाँ निश्चित इकाइयों खर्च करना पैंदा है उसनों असी विदेशी वटांदरा दर कहने हैं, या जिन्नियाँ जिन्ना मुल दूसरे देश की जिहड़ी करंसी है जिन्हों असी मुद्रा कहने उसकी इकाइयों का होंदा है एक इकाई के बदले किसी देश की करंसी दे। ते हुण आपां गल करदे हां टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट। दुनिया दे विच जो प्रचलित फॉरन एक्सचेंज रेट सिस्टम ने बेसिकली वो तीन रहे ने। सब तो पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थाई वटांदरा दर। स्थाई विदेशी वटांदरा दर या विदेशी मुद्रा वटांदरा दर की चीज़ है इसके बारे मैं तुहाडे नाल गल सांझी करदा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मतलब की है कि वह वटांदरा दर जो दो देशों की सरकारों के द्वारा आपस च बैठ के निश्चित कर ले जाए तो लंबे समय तक वो दर सेम रहने वाली होनू असी स्थाई वटांदरा दर या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का नाम दें। इस तरह नहीं होंगी, ये एक पैरामीटर्स ने। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए आज तक दो तरह के मैथड साढ़े सामने आए हैं, जिदे विचों पहला जिहड़ा ढंग सी उह सी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम दे विच की सी कि दो देश की सरकारां आपस च बैठियां
इकोनॉमिक पैरामीटर्स नूं देखते हुए देखा गया कि दोनों देशों की करंसीज दे विच गोल्ड की एक निश्चित मात्रा नूं खरीदन की कितनी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राम सोना परचेज करना सी या एक तोला सोना परचेज करना है तो उस एक तोला या एक ग्राम या एक मिलीग्राम सोने नूं परचेज करन दे लई दोनों देश की करंसी दियां किन्नियां इकाइयां खर्च करनियां पैंदियां ने तो दोनों की करंसी नूं इक्विवेलेंट मान लिया जाएगा उन्हां दियां उन्नियां उन्नियां यूनिट्स नूं ते उस दे विचों एक यूनिट का रेट कढ लैंदे ने। असीं एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मिलीग्राम सोने नूं परचेज करन दे लई गोल्ड नूं परचेज करन दे लई सानूं इंडियन करंसी के 500 रुपए खर्च करने पै रहे ने ते अमेरिका दे $10 खर्च करने पैण तो यदा मतलब इंडिया के 500 रुपए तो अमेरिका के $10 की कीमत बराबर होगी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार। 500 रुपए जो $10 के बराबर ने तो साफ है कि $1 की कीमत कितनी होगी 500 जो असी 10 नाल डिवाइड करांगे तो 50 रुपए होगी तो एक्सचेंज रेट बिटवीन US एंड इंडिया की हो गया $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। जे असी इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू कढ़नी होवे तो असी की करांगे 10 नू 500 नाल डिवाइड कर देंगे तो उस हिसाब के नाल साढ़े को जी वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो सानू ये भी पता होना चाहिए कि $1 के 100 सेंट्स होंगे ने तो एक इंडिया के 1 रुपए की वैल्यू थोड़े सामने इन्ने सेंट आ जाएगी। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के इस ढंग के नाल फॉरन एक्सचेंज रेट फिक्स कर लिया जाता है। ये एक गल साफ है कि सिस्टम लंबे समय तक सेम वैल्यू रही है दोनों के एक्सचेंज रेट सेम रहा है। तो 1881 तो लेकर 1941 तक ये सिस्टम बहुत प्रचलित रहा। इनू मिंट बार वैल्यू सिस्टम के नाम भी जाना जाता है क्योंकि एक खास पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर पार होंगे समानता देकर करंसीज दी वैल्यूज फिक्स की जाने जिमें गोल्ड के बराबर इनू निश्चित करके रेट फिक्स किए जाते। दूसरा सिस्टम जिहड़ा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम दे विच है वह है एडजस्टेबल पैग सिस्टम और इनू ब्रेटन वुड सिस्टम का नाम भी दिता जाता है। इहदा नाम दस रहा एडजस्टेबल भाव इस थोड़ी जी कितने एडजस्टमेंट की संभावना है इन्ना रिज्ड नहीं होएगा। यस दिस इज़ वट ब्रेटन वुड सिस्टम या ब्रेटन वुड एग्रीमेंट है। कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट किया जिस दे विच की होया कि ठीक है कि गोल्ड के इक्विवेलेंट करके रेट फिक्स कर लिते जाएंगे बट दोनों देश करंसी दे विच IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की परमिशन दे नाल रेट ऑफ एक्सचेंज नू चेंज कर सकते ने बट अपनी मर्जी नाल जिन्ना मर्जी नहीं मैक्सीम 1% तक मैक्सीम 1% तक वेरिएशन लियांदी जा सकती है एक्सचेंज रेट दे विच। एसी एडजस्टेबल पैग सिस्टम पावे दे विच एक हद तक रेट ऑफ एक्सचेंज नूं असी चाहे 1% के मार्जन नाल सी उहदे विच फ्लैक्सीबिलिटी सी चेंज किया जा सकता सी बट ईवन दैन इट्स अगर देखा जाए सिर्फ 1% कुछ भी ज़्यादा नहीं होंदा तां इह फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज ही सी क्योंकि मिंट पार वैल्यू दे सिस्टम दे आधार दे उत्ते इहदे विच भी एक स्टैंडर्ड जिहड़ी करंसी सी जदों रेट फिक्स करना है तां एक गोल्ड नूं सेंटर मान के उहदे हिसाब दे नाल उहदी गोल्ड नूं परचेज करन दी कपैसिटी दे आधार दे उत्ते करंसी की वैल्यू निश्चित कर ली जाती सी। जिहड़ा एडजस्टेबल पैग सिस्टम है इनू पार वैल्यू सिस्टम किया गया। इहदे विच जदों दो देशों की करंसी का रेट फिक्स करना है तो उहदे विच वेरिएशन लियानी है दो चीज़ां मैटर सी या तो किसी स्टैंडर्ड इकोनमी की करंसी नूं बेस मनिया जाए या एक मैटल जिवें सोना सी उहनूं बेस मान लिया जाए। उस हिसाब दे नाल दो देशों के जिवें अमेरिकन डॉलर नूं मान लिया गया अज दुनिया के मैक्सीम इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकन डॉलर नाल होंदा है। पार वैल्यू मतलब अपनी करंसी नूं उहदे बराबर इक्विवेलेंट लेके आना है उस करंसी के मुकाबले थोड़ी करंसी की वैल्यू कितनी है जिवें इंडियन मैं रुपीज़ की वैल्यू दसी कि इंडिया के 73 रुपया की वैल्यू अज आलमोस्ट $1 के बराबर है एंड लगातार चेंज होंदी रहती है। जिहड़ी ये सिस्टम एक होर सी मे एडजस्टेबल पैग सिस्टम के कि 1% तक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की परमिशन के नाल चेंज हो सकता सी फ्लैक्सीबिलिटी सी थोड़ी जी। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बड़े फायदे से बहुत सारे नुकसान भी सी उन्होंने बारे गल करते हैं। वॉन्ट इज वो फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम की सी स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट लंबे समय तक रेट फिक्स रहता सी जिस तरह जो इंटरनेशनल लैवल के उत्ते रेट के लंबे समय तक स्थाईपन रहने लचकता ज़्यादा ना होने कारण एक भरोसा जागता से कि स्टेबिलिटी इज़ देयर।
सैकेंड वन इज़ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि जो ट्रेडर से जिन्होंने व्यापार करना से उन्होंने साफ पता होता है कि लंबे समय तक करंसी का रेट इन्ना फिक्स रहने वाला है, इस करके वह बिना ज़्यादा रिस्क ले आराम नाल इंटरनेशनल ट्रेड नूं प्रमोट कर सकते सी, वादा कर सकते सी। इस तो इलावा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, बहुत सारी कंट्री सानू पता होना चाहिए सी कि इकोनॉमिकली इंटरनेशनल ट्रेड के उत्ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उत्ते फॉरन करंसी का एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जेकर फॉरन करंसी का रेट फिक्स एक्सचेंज रेट उस सिस्टम के अंडर फिक्स रहता सी तो उस हालत के उन्होंने जी इकनोमिक डिपेंडेंसी सी उस उन्होंने स्टेबिलिटी महसूस होंगी सी। नैक्सट है प्रमोशन ऑफ लोंग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स ने उन्होंने मन च हमेशा एक डर रहा है कि साड़ी कैपिटल सेफ रहे, तो वो जी लोंग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने पता है कि रेट सेम रहने वाला, इंटरनेशनल का सनैरियो जो बिजनेस का चेंज नहीं होने वाला बार बार, तो वो लंबे समय लिए इन्वेस्ट कर सकते सी। दैट इज़ आलसो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, एबसेंस ऑफ स्पैकुलेशन, जी स्पैकुलेशन की सट्टेबाजी की जी अनहोंद पाई गई फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज के, कोई स्पैकुलेट नहीं कर सकता सी कि आने वाले समय से कि जिमें लॉटरी सिस्टम होंगे कि इन्ना होएगा, जदों की फिक्स रेट रहने वाला है तो स्पैकुलेशन अपने आप खत्म हो गई सी, भी एक बहुत बड़ा फायदा सी। इस तो इलावा यूजफुल फॉर ट्रेड डिपेंडेंस डिपेंडेंट कंट्रीज, जिहड़े देश मैं पहला दस चुके हैं जिहड़े ट्रेड डिपेंडेंट कंट्रीज ने फॉरन एक्सचेंज के उत्ते बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ने, उन्होंने ये सिस्टम बड़ा हैल्पफुल सी क्योंकि एक लोंग टर्म प्लैनिंग बना के अपना फॉरन जिहड़ा ट्रेड सी उन्हों अगे वधा सकते सी जां उस रोक लगा सकते सी। नौ पॉसिबिलिटीज ऑफ डिक्स जैसे इक्विलिब्रियम, इहदे विच क्योंकि फिक्स रेट रहिंदा सी इस करके जिवें आपां दूसरा सिस्टम करांगे जिहदे विच फ्लैक्सीबिलिटी पाई जाती है, असमानता दे किसी तरह का डर होंदा डिसइक्विलिब्रियम होंदा कोई डर नहीं पाया जाता सी। इस तो इलावा कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन एक्सचेंज रेट, लोगों का जो भरोसा बनया हुआ सी क्योंकि रेट लंबे समय तक सेम रहने वाला, उन्होंने मन च डर नहीं रहता सी, रिस्क जिहड़ा फैक्टर सी बहुत घट जाता सी फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम दे विच। क्लीयर हो गया, जिथे दे फायदे ने उत्थे बहुत सारे नुकसान भी ने। फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम के नुकसान की ने, सब तो पहला लैक ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, लचकता बिल्कुल भी नहीं है, फिक्स रहना है, कोई देश बहुत वधिया परफॉर्म कर रहा उन्हों भी सेम रेट का सामना करना पैना, कोई बहुत माड़ा कर रहा इंटरनेशनल लैवल के उत्ते उहदे भी सेम रेट है। ये जिहड़ा इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जाए जो असीं ओपन इकोनॉमी की गल करते हैं तो यह जिहड़ा पैरामीटर है वधिया नहीं हैगा, इनू असीं इहदी डिसएडवांटेज मानने एक बहुत वड्डी। इस तो इलावा नीड ह्यूज रिजर्व फॉर फॉरन एक्सचेंज, जेकर फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज मेनटेन करके रखना है ता कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक जिहड़े पैरामीटर्स ने जिहड़ी हालात ने वो साढ़े किते फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज नूं इफेक्टेड ना करन, उस सप्लाई नूं मेनटेन करन दे लई करंसी दी नूं वड्डी मात्रा दे विच जिहड़ी फॉरन एक्सचेंज करंसी है उहदा स्टॉक रखना पैंदा है। इहदे नाल बहुत वड्डी जिहड़ी मुद्रा है कैपिटल है वह ब्लॉक होकर रह जाती है, वर्किंग हालत नहीं रहती। इस तों इलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इकोनमी दे विच किसे देश दी गवर्नमेंट दी इंटरवेंशन होनी ये हमेशा ही खतरनाक है। बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट यू शुड नो बैटर, इकोनॉमी नीड्स एन ओपन मार्केट, खुला उत्थे बाजार चाहिए, इंटरवेंस किसी तरह की जी डिस्टर्बेंस है गवर्नमेंट की जी इंस्ट्रक्शंस ने वो नहीं होनी चाहिए, बट फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज क्लीयरली गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाता है इस करके डायरैक्ट इंटरवेंशन से एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस तो इलावा ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड साइकल्स, फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम के क्योंकि लंबे समय तक सेम रेट रहने वाला है, जेकर एक देश के दे ट्रेड साइकल रिवर्स जाते हैं नैगेटिव हालात पैदा होते हैं तो वह असर बड़ी जल्दी दूसरे देश से भी पैना सुभाविक सी। इस तो इलावा प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, जो बहुत सारा पैसा रिजर्व के ब्लॉक रहा है तो इंटरनेशनल मार्केट के ओपन के फॉरन करंसी की कमी पाई जाती है, उत्थे जी करंसी है वह स्टॉक घट देखने मिलता है, स्टॉक रिजर्व के रूप से नहीं जो ओपन मार्केट के प्रचलित है, एक बहुत बड़ी कमी है इकोनॉमी के परपज़ तो। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स जानते हैं जेकर लिक्विडिटी घट जाए तो सारा मार्केट का ऑपरेशन एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता है। नीड फॉर कंट्रोल, इस सिस्टम की एक वड्डी कमी यह भी सी कि कंट्रोल की जरूरत सी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जी अपॉइंटेड अथॉरिटी सी उन्होंने कंट्रोल करके रखते हैं, जो कंट्रोल है वह मार्केट में कदे भी वो फायदेमंद नहीं रहता, इकोनॉमिकली फेलियर मनिया गया। सो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। यस स्टूडेंट, द सेकंड मैथड ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट इज़ द फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट, लचकदार वटांदरा प्रणाली। लचकदार वटांदरा सिस्टम की है, इस दे विच जड़ा एक्सचेंज रेट है वटांदरा दर है वह निर्धारण गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया जाता फिक्स की तरह, बल्कि बाजार की जी शक्तियां ने
ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਪਲੇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਵਾਇਲ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਵਾਇਲ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ, ਨਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ, ਵਾਇਲ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ। ਜਸਟ ਸੀ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੇਅਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਐਂਡ ਐਸ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਡੀ ਐਂਡ ਐਸ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ? ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੁਲੇਰੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਇਕੁਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਇਟ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ ਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਜੋ ਐਸ ਐਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਈ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੋ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੋ ਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਵਨ ਰੇਟ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਜੇਕਰ ਆਰ ਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਆਰ ਵਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਆਰ ਟੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਲੈਟਸ ਫਸਟ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਊਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਟੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਟੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੇਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ,
इंटरनेशनल ट्रेड नूं बूस्ट अप करन दे विच जिहड़ा फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है बहुत वड्डी भूमिका है। कारण कि मार्केट दे विच लिक्विडिटी की कमी नहीं हुंदी, लिक्विड दे रूप दे विच फॉरन जिहड़ी करंसी आ उह प्रचलित रहिंदी है, जिस करके तरलता की घाट नहीं हुंदी, जिस नूं कहिंदे ने तरल रूप दा। तरल दा मतलब कैश, नकद। तो फॉरन एक्सचेंज का जदों बहुतात बनया रहिंदा मार्केट दे विच, तो मार्केट बड़ी तेजी दे नाल बूस्ट होंदी है ते इंटरनेशनल ट्रेड दे विच वाधा हुंदा है। नो नीड फॉर कंट्रोल और वी कैन से गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इहदे विच कोई सरकार नूं नियंत्रण करन दी जरूरत नहीं। मेन की है, मार्केट पावर्स ने डिमांड ते सप्लाई दोनों ने अपना रोल अदा करना है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं। इहदे नाल की हुंदा है कि जिहड़ियां कंपलैक्सिटीज़ होंदियां ने मार्केट दे विच फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज दियां, वह सारियां खत्म हो जांदियां ने। इस तों इलावा इकनोमिकल, इस सिस्टम इकनोमिकल भी है, क्योंकि गवर्नमेंट नूं ना तां स्टॉक मैनेज करना पैंदा ते ना ही उहदी वड्डी मात्रा दे विच निवेश नूं जिहड़ा फॉरन एक्सचेंज है उहनूं कंट्रोल रख के रखना पैंदा, रादर उह इकोनमी दे विच मोबलाइज्ड हुंदा है। इस करके जिहड़ा इह सिस्टम है फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम काफ़ी सस्ता भी पैंदा है, ते अज इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते इह सिस्टम बहुत वड्डी मात्रा भी प्रचलित है। उहदे विच लिटल बिट चेंजेस होंदियां रहिंदियां ने, जिन्हां बारे आपां अगे गल करांगे, बट इह सिस्टम फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नूं वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम मन्निया जांदा है। जदों असीं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम दा फ्लैक्सीबल दे नाल तुलना करके देखते हैं तां सानूं कुछ फ्लैक्सीबल दे विच कमियां भी देखण नूं मिलदियां ने, क्योंकि जिहड़े फिक्स दे पक्ष दे विच सी ओ इकनोमिक्स ने दियां कमियां दा गल कीती। सब तो पहला अनस्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, हर टाइम तलवार लटकती रहिंदी है कि रेट की होएगा, अज इंडिया दे रुपए की वैल्यू वधेगी या घटेगी, अज डॉलर गिरेगा या उच्चा उठेगा, अज येन की वैल्यू वधनी है या घटनी, रशियन रूबल वधेगा या घटेगा, इस सारा का सारा करंसी का जो खेल है मन दे जी बिजनेसमैन कम्यूनिटी है, इंटरनेशनल ट्रेड करने वाली कम्यूनिटी है, उन्होंने एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है, हमेशा एक अस्थिरता बनी रहती है इंटरनेशनल लैवल के उत्ते। इस तो इलावा है अनसर्टनटी एंड रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क रहा है, हर टाइम रिस्क रहा है व्यापारियों के मन के, जेडे इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं कि एक्सचेंज रेट का वधना तो घटना इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत वड्डी भूमिका निभाता है। कई बार रेट वधन के नाल व्यापारी, एक देश के व्यापारी जेकर फायदे च रहिंदे ने, दूसरों नूं बहुत वड्डा नुकसान हुंदा है। इस तरह जे घटदा है तो एक देश में जो फायदा होंगे दूसरे को नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लैवल के उत्ते इंटरनेशनल ट्रेड करते रिस्क रहा है। इस तो अलावा स्पैकुलेशन बढ़ती है, सट्टा बाजार चलता है, स्पैकुलेटिव एक्टिविटीज़ होंगे ने कि रेट कितना होएगा, मार्केट पैरामीटर्स नू एक एसटीमेटेड बेस मन के उहदे हिसाब दे नाल पहला ही स्पैकुलेशन होंदी है। आने वाले समय के लिए करंसी के रेट पहले ही फिक्स कर ले जाते हैं, इहदे नाल इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते सट्टाबाजी बहुत ज़्यादा वधदी है, स्पैकुलेटिव एक्टिविटीज़ दे विच बहुत ज़्यादा वाधा होंदा है, इमप्रैक्टिकल है, क्योंकि सारा दिन चेंज होंदा रहना, कीप ऑन चेंजिंग, इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते डिमांड ते सप्लाई तां चेंज होंदा ही रहिंदा है। इस करके व्यवहारिक रूप दे विच कई बार इहनूं अडोप्ट करना प्रैक्टिकल भी नहीं रहिंदा, नीड सम कंट्रोल इन दिस सिस्टम। इस तों इलावा इनफ्लेशनरी इफेक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड दे उत्ते जिहड़ा रेट ऑफ एक्सचेंज का बार बार चेंज होना, जिहड़ी उहदे विच फ्लैक्सीबिलिटी का बहुत ज़्यादा पाया जाना, इनफ्लेशन नूं, महंगाई नूं बहुत ज़्यादा वधदा है, मुद्रा स्फीति बहुत ज़्यादा वधदी है। इस करके सो इन्हां सारे पॉइंट ऑफ व्यू तों असीं कह सकते हैं कि यह जिहड़ा सिस्टम है विशेष रूप दे विच नॉट सूटेबल फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज़, डिवेलपिंग कंट्री के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहा, डिवेलपिंग कंट्रीज़ नूं बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पैंदा है कई बारी। ईवन ट्रेडिंग दे विच भी असीं महसूस करते हैं, शेयर मार्केट दे विच भी महसूस करते हैं, जिहड़ा फॉरन एक्सचेंज रेट है डिवेलपिंग कंट्रीज़ के लिए कई बार बहुत एडवर्स हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, जिथे जिस तरह फिक्स दे बहुत सारे फायदे ते नुकसान सी, फ्लैक्सीबल सिस्टम दे भी बहुत सारे फायदे ते नुकसान ने, आओ तीसरे सिस्टम की गल करते हैं। थर्ड फॉरन एक्सचेंज जो टाइप है दैट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग, प्रबंधित परिवर्तनशील। दो शब्द ने देखने जो प्रबंधित भी है, मैनेज भी करना पएगा, ते नाल फ्लैक्सीबिलिटी पाई जा रही है, फ्लोटिंग भी है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। वट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग, आओ ये बारे गल करते हैं। प्रबंधित परिवर्तनशीलता मतलब फॉरन एक्सचेंज रेट निश्चित करने का एक अजही प्रणाली है जिदे विच फ्लैक्सीबिलिटी है, बिल्कुल फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरह। इकोनॉमिक जिहड़ियां पैरामीटर्स ने, बाजार दियां शक्तियां ने, डिमांड ते सप्लाई, वो अपनी भूमिका निभांदियां ने, पर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट दियां एजेंसीज या किसी देश का सेंट्रल बैंक एज ए वॉच डॉग उस पर निगरानी रखता है, उसकी इंटरफेरेंस उस रहती है। जेकर उन्होंने लग रहा है कि जिहड़ा
फ्लैक्सीबल सिस्टम दे विच किते बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी दे कारण रेट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है जां बहुत ज़्यादा अप जा रहा है करंसी का, तो उत्थे इंटरवेंशन होंदी है, उन्हों मैनेज किया जाता है। जेकर उन्हां नूं लग रहा है कि देश की करंसी मार्केट दे विच बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है तो उस करंसी नूं खरीद लिया जाता है देश के सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। और की होंगे जो उस करंसी खरीदया जाता है तो मार्केट के डिमांड घट जाती है, सॉरी सप्लाई घट जाती है, सप्लाई घटने रेट दोबारा अप हो जाता है। जो रेट उसका ज़्यादा हो जाता है मार्केट पैरामीटर के कारण, किसी कारण होर ज़्यादा हो गया, तो सेम करंसी ओपन मार्केट से बेच दिया जाता है। इस ढंग के नाल मैनेज किया जाता है। जिहड़ा एक्सचेंज रेट है वह फ्लॉट तो करता है, परिवर्तनशीलता तो है, बट उसका मैनेजमेंट की जाती है। इस यही कारण है, नाम प्रबंधित परिवर्तनशील सिस्टम या प्रणाली कहते हैं विदेशी वटांदरा दर की। ये तुसी देखो कि फिक्स ते फ्लॉट जिहड़ा फ्लैक्सीबिलिटी दोनों के कुछ प्लस माइनस पाए जा रहे हैं, कंट्रोल भी है फ्लैक्सीबल भी है। सो अज के टाइम के ज़्यादातर देशों के फ्लोटिंग जिहड़ा मैनेज्ड फॉरन एक्सचेंज रेट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होंदिया ने अजकल, जदों की जोड़े इकोनॉमिक्स ने वो हमेशा फ्लैक्सीबल सिस्टम के हक्ष रहे हैं। मॉडर्न इकोनॉमी के फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सब तो वधिया सिस्टम मनिया गया, बट देखा हुआ कि कई बार ये जो डिवेलप्ड कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा अगे एडवांस हो चुके हैं, वो देश डिवेलपिंग कंट्रीज़ के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। फिर डिवेलपिंग कंट्रीज़ ने एक नवा रस्ता कढ़िया, दैट इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि सेंट्रल बैंक की एक इंटरवेंशन रखी जाए, वो दखल अंदाजी हो, जिस नाल एक्सचेंज रेट में थोड़ा कंट्रोल हो सके, जदों की बाकी सारा काम किने करना है बाजार दियां ताकतां ने। सो स्टूडेंट्स, ए सी विदेशी वटांदरा दर की होंदी है, ते नाल ही असी गल कीती इहदियां टाइप्स की ने, किस रंग दे नाल फॉरन एक्सचेंज रेट तय किया जाता है, तीनों प्रणाली असी गल कीती। कॉन्सैप्ट क्लीयर होएगा, जेकर कोई कॉन्टेंट का हिस्सा क्लीयर नहीं वीडियो के उस हिस्से जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके फ्लैक्सीबल तुसी जिमें आम इकनोमिक्स के जनरली देखते हैं कि डिमांड से सप्लाई वस्तु के रेट न तय करते हैं, इस तरह मुद्रा की डिमांड से सप्लाई, करंसी की डिमांड से सप्लाई फॉरन एक्सचेंज रेट न तय करती है। सो इस अजक जो प्रचलित सिस्टम है वो बारे भी मैं गल की, डिवेलपिंग कंट्रीज़ के मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई थिंक द होल कॉन्सैप्ट इज़ क्वाइट क्लीयर। बहुत सारिया होर वीडियोज़ आनगियां आने वाले समय, मेरे चैनल पर बहुत सारिया वीडियोज़ ऑलरेडी ने, जेकर तुम सबसक्राइब नहीं किया इस चैनल में सबसक्राइब करो, तो बैल आईकॉन दबाओ ताकि आने वाली वीडियोज़ की पहली नोटिफिकेशन मिल सके कि नवी वीडियो केड़ी है। सो स्टूडेंट्स, देखते रहो जानकारी हित, एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल बी हियर अगेन, योर हित अविनाशी शर्मा, वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।